मेरा नाम है गुरिंदर पाल सिंह, मैं हूँ लुधियाना से। मेरा नाम है दीपक कलूरा, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। आई एम सुनील भुटानी एंड आई एम द ओनर ऑफ EME टेक्नोलॉजीज। मैं गुरप्रीत कानपुर तू सिंह दिल्ली से। आई एम विशाल फ्रॉम लुधियाना। मेरा नाम पंकज कटारिया है और मैं गुड़गांव से हूँ। मैं योगेश दिल्ली से। मेरा नाम रजनीश मित्तल है, मैं नाभा से हूँ। माय नेम इज राजेश कुमार, बेसिकली मैं बॉम्बे से हूँ। दोस्तों, आप लोगों को ट्रेनिंग देना, आप लोगों को सिखाना, मैं एक गोल लेके चल रहा हूँ कि हमने भारत को कर्जा मुक्त कैसे बनाना है। कर्जा मुक्त से पहले तो अपने आप से ही शुरू होना पड़ेगा कि अपने आप को कर्जा मुक्त शुरू करें। यदि आप अच्छी कमाई करके गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप गवर्नमेंट की, हमारे इंडिया की GDP में अपना योगदान डालते हो, कंट्रीब्यूशन डालते हो, तो इंडिया अपने आप ही कर्ज मुक्त हो जाएगा। और मैं इंडिया को अकेला ही कर्ज मुक्त करने की क्षमता रखता हूँ, प्रोवाइडेड आपका साथ मेरे साथ हो। मैं इंडिया के लोगों को, अपने देशवासियों को, अब उनके नीचे से जो पड़े हैं, उनको जो सो रहे हैं, उनको जगाना चाहता हूँ, उनको ऊपर उठाना चाहता हूँ। जो उनको, वो जो सिर्फ मत्था टेकने वाले हैं, उनको सोचता हूँ कि वो मत्था मारना सीख जाएं। मत्था मारने का मतलब ये नहीं दीवार में मत्था मारना है, मत्था मारने का मतलब आपने हर बात को लेके चिंतन करना है, मंथन करना है, उसके प्लस पॉइंट देखने हैं, उसके माइनस पॉइंट देखने हैं। बिजनेस शुरू करना है तो क्यों करना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या उसमें चाहिए, हमें क्लैरिटी है, प्रायोरिटी है, एक्शन है, रिजल्ट है, मतलब इम्प्रूवमेंट है, ये चीज़ें देखने के लिए मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की है। तो मुझे मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये रियल इस्टेट भी इतनी ज़्यादा डीप जाती है और इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट लोग कमा रहे हैं। मतलब हमें पता ही नहीं था, हमारे आसपास भी सभी लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे थे, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो सर के साथ जुड़े जब, तो एक तो मतलब हमारी जागरूकता जो बड़ी कि हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसके लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने आ गए हैं। दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग का मकसद ही पैसा कमाना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको जगाना है। आपको जगाने के लिए मैं अपने आप को अभी भी 59 की एज में भी रात को 1-1 बजे तक काम कर रहा हूँ। 1-1 बजे तक काम करने का मकसद यही है कि मेरा जो मैक्सिमम मैसेज है आप तक चला जाए। फिर मैंने इनके प्रैक्टिकल टेल में आज आया हूँ, काफ़ी नॉलेज मिली है। प्रैक्टिकल ज़मीन को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखना है वो मुझे यहाँ पर पता चला, और कैलकुलेशंस कैसे करनी है यह भी पता चला। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मेंटल ग्रोथ होती है। दोस्तों, हाथी कितना पावरफुल होता है, उसकी शरीर ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन आदमी अपनी मेंटल ग्रोथ की वजह से उसको काबू कर लेता है। मगरमच्छ को काबू कर लेता है, शेर को काबू कर लेता है। शेर को काबू करने का मतलब हमारी शारीरिक ग्रोथ नहीं है, हमारी मेंटल ग्रोथ है। हम प्रैक्टिस करते हैं कि हमने कैसे कैसे शेर के बिहेवियर को समझते हैं, मगरमच्छों के बिहेवियर को समझते हैं, सांपों के ऐसे बिहेवियर को समझते हैं। तो हम मेंटली ग्रो ना हुए होते तो हम ये काम कभी नहीं कर पाते। रियल एस्टेट के रियल गुरु सरदार राजवंत सिंह मोहाली साहब नू मेरा कोटी कोटी प्रणाम। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। सर, जो सानू सर ने ट्रेनिंग्स वगैरह दे विच, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे विच, किताबां दे विच जो सानू परोसिया है, बहुत ही वधिया रियल स्टेट दे नाल जोड़ के दिता है। 28 साल दा इन्होंने अपना तजर्बा जो दिता है बहुत ही वधिया, उहदे नाल सानू अपने आप नू बहुत ही वधिया महसूस हो रहा है। संगत दी रंगत आउंदी हैगी है, मैं भी अपने आप नू बड़भागी महसूस करदा हाँ कि भी साडा इन्हां दे नाल राबता कायम होया। सो दोस्तों, आपने यदि आगे बढ़ना है तो मेरा कम से कम YouTube चैनल तो तकरीबन सारे का सारा वीडियो आपको देखना बनता है, और जिसने और आगे एडवांस चलना है तो आप मेरे साथ ट्रेनिंग में जुड़ सकते हो और आपको अपने आप ही फ़र्क पता लग जाएगा। एक भी बंदा आज तक मेरे से नाराज नहीं गया, कोई बंदा नाराज का आपको कमेंट का पता लग सकता है, और किसी से भी आप जाके पूछ सकते हो। मेरे ग्रुप में जो जिन आदमी ने ट्रेनिंग ली है वो सारे के सारे हाजिर हैं, आप वहाँ आकर भी अपना सवाल रख सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो सर के साथ अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का है, वो बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सर से प्रॉपर्टी के बारे में सीखी, क्योंकि मैं तो आई एम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
पर हाँ, अब एक साल में बहुत सारी ऐसी बातें सीख ली हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के प्रस्पेक्टिव से या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के प्रस्पेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, उनको परख सकता हूँ। आई वुड रियली रिकमेंड यू ऑल कि अगर आपको सही लगता है YouTube वीडियोस को देखते हुए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप ज़रूर एक बार ट्रेनिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिसमें आपको भी डेफिनेटली एक बेनिफिट होगा। सर से मैं लास्ट 2 महीने से जुड़ा हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जैन, बट 2 मंथ्स में मेरी काफ़ी लाइफ चेंज हो गई है। इसमें ये ऐसा रहा कि पहले थोड़ी थिंकिंग तो मेरी थी कि कैसे हम मतलब आगे बढ़ें, बट ये कि सर ने हमें ये करना मतलब विजुलाइज करना सिखाया कि हम कैसा बड़ा सोच सकते हैं, जो हम सोचेंगे वही बन सकते हैं। तो सर से हमें काफ़ी लर्निंग मिल रही है, लास्ट 2 डेज से हम यहाँ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, तो इससे एक ही लाइफ हमारी आगे जाके काफ़ी चेंज हो गई। तो अब जो मैंने रियल स्टेट में से सीखा, रियल स्टेट में सीखा, उसके ऊपर मैंने किताबें लिखी। किताबें क्यों लिखी? उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस शुरू से ऐसा था। नहीं दोस्तों, मैं तो बिल्कुल जीरो था, जीरो से आज जो भी हूँ आपके सामने खड़ा हूँ। इसीलिए मैंने इसके ऊपर जोर दिया कि आप मेरे साथ रिलेट कर सकूँ कि भाई यदि ये ऐसा बंदा कामयाब हो सकता है ज़िंदगी में, तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप आओ यार, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके आगे लगने के लिए तैयार हूँ। आप यदि मेरे पीछे भी लग गए तो भी कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँच जाओगे, क्योंकि मैंने ज़िंदगी प्रैक्टिकल जी है। लोग तो घुटनों के बल चलते हैं, मैं पेट के बल चलाऊँ, आप ये देख लेना जब भी आओगे। हमने एक बात आज तक 2012 से हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमने कहा है किसी आदमी को हमारी ट्रेनिंग पसंद ना आए वो अपना पैसा वापस ले जाए। और मैं सर से लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हूँ सर, YouTube के थ्रू, और फिर मैंने सर की किताब भी पढ़ी है प्रॉपर्टी कारोबार से कुछ साली, उसके बाद मैं सर का ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया था, और अब मैं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर के साथ मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी जुड़ूँ, तो उसका मुझे पूरा फ़ायदा मिल रहा है। मेरी नॉलेज अगर यहाँ थी तो मैं कहूँगा यहाँ आ गई है, और एक किसी भी प्रॉपर्टी को एक अलग नज़रिए से, एक डेवलपर के नज़रिए से कैसे देखा जाएगा ताकि उससे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके, तो वो नज़रिया हमें सर ने सिखाया है। नज़र का इलाज तो सब करते हैं, पर यहाँ नज़रिए का इलाज होता है, जो इंडिया में पहली बार मैंने देखा, तो इसलिए मैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। इट्स ए ट्रेमेंडस ट्रेनिंग, तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस ट्रेनिंग से, और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था 10 था, तो मैं 100 मान के चल रहा हूँ। राजवंत सर का जो गाइडेंस मिल रहा है वो काफ़ी मैंडेटरी है हमारे लिए। उनका एक जो प्रॉपर्टी गुरुकुल का जो एक साइट स्टार्ट किया है, एंड जो इंस्टीट्यूट मान लो या फिर एक गाइडेंस मान लो, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस। काफ़ी सारी चीज़ें मिली सीखने के लिए, आइदर इट मे बी रिलेटेड टू द मैपिंग या फिर रिलेटेड टू द गाइडेंस या अप्रोच या डॉक्यूमेंटेशन। उनके पास में एग्जैक्ट नॉलेज है काफ़ी सारे। आप बिल्डर्स के पास में अप्रोच कर लीजिए या फिर काफ़ी डीलर्स के पास में, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉपर नॉलेज। सो व्हाट द थिंग इज, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फ्रॉड से बचने के लिए या फिर कुछ भी है, वो सब कुछ राजवंत सर के पास में है। मैं आपको जगाने के लिए, अपने समाज को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ। आओ जाग जाओ, और यदि आप जिस दिन आप जाग गए उसी दिन आपकी लूट बंद हो जाएगी, आपका नेता आपको धोखा नहीं दे सकेगा, आपके जो काउंटर पार्ट हैं आपको धोखा नहीं दे सकेंगे। धोखा सीधे आदमी के साथ होता है, जो आदमी सीधा है उस आदमी के साथ धोखा होता है। मैं आपको सीधा नहीं रहने देना चाहता, ये नहीं कि आपके करेक्टर को मैं ख़राब करूँगा, आपको चोरी करनी सिखाऊँगा, कोई और करना सिखाऊँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सामने वाले आदमी को पहचान लो, ये आपकी मैं जो तीसरी आँख है ये खोलने का मैं दम भरता हूँ और दावा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, और आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी तीसरी आँख खोल के भेजूँगा, आप एक बार ट्रेनिंग में आ जाओ। थैंक यू वेरी मच।